आज हमारा प्लान है बाज़ार पे चक्कर लगाने का। हल्की हल्की ठंड हो गई इधर, कल सारी रात बारिश होती रही है और काफ़ी रोमांचक मौसम रहा है क्योंकि पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल बारिश हुई है और अब आगे बारिश स्टार्ट हो रही है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। तो हमने कहा चलो भाई नया नया अपर मंगवाया, इसकी शुरुआत तो करें, पहने तो सही, क्या कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। मैं भी जा रहा था बाज़ार, कुछ चीज़ें लेनी थी। एक तो मेरा जो पुराना मोबाइल था बैक कवर लेना था, उसका प्रोटेक्टर लगवाना था, उसकी डाटा केबल लेनी थी। तो उसके बाद इरादा है टेस्को जाने का, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है तो मैंने कहा चलो थोड़ी बाहर चलते हैं, आउटिंग शाउटिंग हो जाएगी। अच्छा यहाँ जो है ना एक चीज़ बड़ी नोट की है मैंने, इधर आप किसी को देखते हैं और वो आपको देखे जब आई कॉन्टैक्ट होता है तो वो अगला बंदा जो गोरा जो है मुस्कुरा के आगे निकल जाता है या हेलो कह देगा या मुस्कुरा लेगा, थोड़ा लड़ाई को भी चांस नहीं बनता। पाकिस्तान में जब आप किसी को घूरते थे वो भी आगे से घूरी डालता था ऐसे करके और फिर साथ ही एक दो गालियाँ भी, बाकी ये बदमाश हैं तेरी ऐसी की तेरी वैसी, तो ये होता था यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ नहीं है। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, बादल वगैरह भी आए हुए हैं, हो सकता है आज फिर बारिश हो। कल रात तो सारी रात बारिश लगी हुई है, शाम के टाइम भी और रात के टाइम भी, और अब आस्ता आस्ता अंधेरा भी जल्दी होना शुरू हो गया। पहले अंधेरा हो जाता था तकरीबन 10 बजे जब मैं आया नया नया यूके में, उसके बाद टाइम चेंज हुआ, 9:30 हो गया, 9:30 से 9 हो गए, तब 9:45 तक अंधेरा हो जाता है। ये लॉन्ड्री एरिया जी, अगर किसी ने कपड़े वगैरह धोने होते यहाँ पे धो सकता है, इसके कुछ चार्जेज वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा मैं एक और चीज़ सोचा था कि मैं अब वीडियोस बनाना स्टार्ट की हुई है मैंने, तो सोचा था कि गिम्बल ले लूँ। गिम्बल डिवाइस होती है मोबाइल के लिए कि जैसे अब मैं वीडियो बनाता हूँ ना काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या होता है वीडियो हिलरी होती है या बैलेंस नहीं होती है, तो गिम्बल क्या होता है कि जहाँ जहाँ आप मूव करते हैं वैसे वैसे वो डिवाइस आपकी मूव करती रहती है, एक सेल्फी स्टिक की तरह की होती है, तो आप ये कहें मॉडर्न टेक है। तो मैं सोचा वो परचेज़ कर लूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 80-90 pounds का मिलेगा, 150 pounds का भी है, मतलब जितना कुल डालोगे उतना मीठा। हाँ अगर मैं सेकंड हैंड की तरफ जाता हूँ तो 30-40 pounds का मुझे मिल जाएगा, 20 pounds का भी ही मिल सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ एक ले लूँगा ताकि थोड़ा वीडियोस और बेहतर तरीके से बना सकूँ। और सबसे पहले तो थैंक्स उन सबका जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप लोगों के वीडियोज़ देखने से जब मेरे व्यूज़ आस्ते आस्ते इंक्रीज़ होते हैं तो मैं बूस्ट होता हूँ, मतलब मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आप लोगों को यूके के बारे में बता सकूं, इधर के कल्चर के बारे में, इधर की हिस्ट्री के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। अभी एक दुकान पे मैं गया था पता करने, लेकिन उससे तो बैक कवर नहीं मिला। अब मुझे चाहिए क्या बैक कवर, बेसिकली चाहिए वीवो Y51S, इसका बैक कवर डाटा केबल, मोबाइल टूट गया था, इसकी स्क्रीन वगैरह मैंने चेंज करवाई थी, तो मैंने सोचा यार इसे दोबारा यूज़ में लाऊँ, उसके लिए मैं ले रहा हूँ उसकी एक्सेसरीज वगैरह। तो आप देखते हैं किसी और शॉप पे जाते हैं वहाँ पे चेक करते हैं अगर मिल जाए, रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड क्रॉस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर किसी ठुल्ले चुल्ले ने देख लिया तो सीधा 70-80 pounds का फाइन हो जाता है, लेकिन अगर कोई ना देखे तो फिर रोड क्रॉस हो जाती है। तो हमें किसी ने नहीं देखा, हम सीधा रोड क्रॉस कर ली, अब हम जा रहे हैं शॉप में प्रोटेक्टर का पता करने और बैक कवर का। टेबल चाहिए उसकी सी टाइप, ये इसमें लगा के दिखा दीजिएगा, ये फास्ट चार्ज करेगा। ये पाकिस्तान से है जी? किधर से? फैसलाबाद। मैं इस्लामाबाद से, तो भाई के पास अभी आया जी, और भाई की शॉप है जी ये लेटन रोड ना, लेटन रोड पे। डाटा केबल तो मिल गई है 3 pounds की, ये अब देख रहा हूँ मैं कहीं से मुझे वो मिल जाए बैक कवर, ज़रा आसानी मिले। यहाँ पे खड़ा होकर शराफत से इंतज़ार करना पड़ता है कब हमारे लिए सिग्नल ओपन होगा और हम क्रॉस करेंगे, ये मेन चौक है, तो यहाँ पे तो इंतज़ार करना पड़ता है भाई, इस तरह दौड़ लगा के इशारा नहीं तोड़ सकते। वो पीछे रोड था, सिंगल रोड था, उसमें मसला नहीं है, चलो जुगाड़ लग जाता है, अदरवाइज दूसरे उसमें ये है कि आपको वेट करना पड़ता है।
मैं इधर दुकान पे एक गिम्बल चेक कर रहा था, तकरीबन 65 पाउंड का था, लेकिन वो सिर्फ गो प्रो के लिए था और हमने मोबाइल अटैच करना है तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया वो। अब जाते हैं किसी और शॉप पे, देखते हैं गिम्बल वगैरह के प्राइसेस देखते हैं, और सेकंड चेक करते हैं इसका मोबाइल कवर मिल जाए अगर वीवो का। वैसे तो नहीं मिल रहा, सब मुझे यही कह रहे हैं कि अभी आपको अमेजोन या ई बे के थ्रू मंगवाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर फ़ोन यूज़ नहीं होते इतने ज़्यादा। तो लेट्स सी, अगर नहीं मिला तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। तो भाई गिम्बल अब जो है घर जाके ऑनलाइन सर्च करते हैं कौन सी कंपनी का बेहतर है और कौन सा लेना चाहिए रीजनेबल प्राइस, ताकि भाई हम कोई अच्छा सा गिम्बल लें और हमारी वीडियोस में कुछ बेहतर क्वालिटी आ सके, जो हमारी वीडियोस के अंदर थोड़ा हिलजुल थी वो ख़त्म हो जाएगी, कम अज़ कम वीडियो स्टेबल हो जाएगी और आपको भी देखने में मज़ा आएगा और मुझे भी बनाने में मज़ा आएगा। तो चलते हैं अभी एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं मॉन्स्टर का, एक मैंने आजकल मॉन्स्टर का एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ, काफ़ी मुझे पसंद आया। तो भाई हम पियेंगे मॉन्स्टर, इसका टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद है, 1.55 पाउंड का ये। आज टमाटर काफ़ी एक्सपेंसिव लगे हुए हैं इधर, वरना टमाटर लगे हुए होते हैं 1 पाउंड का पैकेट होता है, 6 छोटे टमाटर होते हैं, 5 छोटे टमाटर होते हैं, लेकिन आज प्राइस काफ़ी ज़्यादा है बॉस, इसलिए कहीं और से लेने पड़ेंगे आज टमाटर। में प्याज भी लेना, प्याज देखता हूँ कितने का लगा हुआ है। ये भी 95 का वाइट प्याज। तो जी प्याज और टमाटर खरीद लिए, अब हम जाएंगे घर और बनाएंगे आज हम क्या। तो भाई आज की पकाइए 10-13 की ख्याल है, बैठे बैठे ख्याल आ गया कि चलो जी लोबिया बनाते हैं। जी जी वही लोबिया जिसको बनाया था मैं जब दुबई में था और वीडियो अपलोड कर दी, घर वालों को चैलेंज कर दिया और फिर मेरी शादी हो गई। जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी वो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो जाके ज़रूर देखे। तो खैर आज फिर हम लोबिया बना रहे हैं, पीछे लोबिया मैंने चढ़ा दिया कुकर में, जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो हम इसे 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुकर में ही रहने देंगे ताकि ये गल जाए। तो अपर मैंने उतार दिया भाई, गर्मी लगने लगी थी क्योंकि आधा घंटा वॉक के बाद मेरे में हिम्मत नहीं रही थी कि मैं और अपर पहनूं, तो उतार दिया, शोखी मार ली जितनी मारनी थी, नया अपर सबको मैंने दिखा दिया, हुडी दिखा दी है, तो अब सुकून से शर्ट पहनी हुई है, मज़े कर रहे हैं जिंगल लाला लाइव। प्याज कट गए जी, अब बारी है टमाटरों की, प्याज काटते काटते आंसू आ गए हैं, फिर कभी नहीं रोया, अब रोने का दिल कर रहा है, अब जल्दी के बाद जाना है और बिल्कुल खराब होगा प्याज क्या काटना, लेकिन खैर खाना तो बनाना है, भूख लग रही है, खाना बनाएंगे तो खाएंगे, खाएंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो और वीडियोज बनाएंगे आप लोगों के लिए, वरना तो भाई बगैर खाने के तो मर मुक जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया ताकि इसमें प्याज ब्राउन कर लें, ये हमारे पास आ गई टमाटर और प्याज, धनिया, मिर्चें, इसमें जो लोबिया जो हमने उबाला था उसका पानी साइड पे कर लिया था और वो पानी इसके अंदर डालेंगे ताकि राय टेस्ट रहे, लोबिया का टेस्ट है, ये पानी डाल के अब हम इस मसाले की ना भुनाई कर लेंगे और टमाटर और प्याज साथ घुल जाए और मसाला अच्छा सा बन जाए, तो फिर उसके बाद हम लोबिया डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा पानी हमने बचा लिया, बाकी इसमें डाल के इसमें भुनाई करेंगे। और ये लोबिया बिल्कुल गल गया, ये देखें लोबिया बिल्कुल गल गया, मसाला उस समय तक बनाना है जब तक ये टमाटर और प्याज आपस में घुल ना जाए, उसके बाद इसके अंदर लोबिया डालेंगे और जो थोड़ा बहुत लोबिया का पानी बच गया था वो डाल के इसको
थोड़ी देर पकाएंगे और लोबिया तैयार। और जी ये लोबिया हो गया है तैयार, अब हम खाएंगे चावलों के साथ, चावल पड़े हुए थोड़े से इन्हीं के साथ खाएंगे और मजे ले लेके खाएंगे। लोबिया चावल और साथ है सलाद, क्या बात है अनस, तुम्हें शाबाशी देने का दिल करता है, तुमने क्या बना लिया, लव हो गया। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर दिया उनका शुक्रिया, और लाइक भी करें और बेल आइकन प्रेस करें। किसी और वीडियो के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि मैं उस वीडियो में बनाऊँ कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।